आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। ब्राजील का सोयाबीन निर्यात एक साल पहले 49,498 मिलियन टन से बढ़कर जनवरी 2021 में 2.47 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक और निर्यातक देश है। जनवरी में ब्राजील से सोयाबीन का निर्यात दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन आयात देश चीन को हुआ है। फसल वर्ष 2021-22 के लिए ब्राजील की सोयाबीन की कटाई ठीक ही देखने को मिल रही है। फसल की कटाई की गति पिछले साल से बेहतर है। पिछले साल फसल की कटाई तेजी से हुई थी और इस बार जो सोयाबीन की फसल की कटाई हो रही है, दोनों की गति में 3 सप्ताह का अंतर है। यानी इस बार सोयाबीन की फसल की कटाई ज़्यादा तेजी से की जा रही है। माटो ग्रासो और पराना में सोयाबीन फसल की कटाई का काम अभी जारी है। 27 जनवरी तक ब्राजील में सोयाबीन की फसल की कटाई 40.4 मिलियन हेक्टेयर के अनुमानित क्षेत्र के 10% तक हो चुकी है, जो कि एक साल पहले से 2% है। औसत अनुमानों के अनुसार ब्राजील के 2022 में 90 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक सोयाबीन के निर्यात करने की उम्मीद है। हालांकि उत्पादन पूर्वानुमान में सूखे के कारण कटौती आने वाले महीनों में शिपमेंट को धीमा कर सकती है। कई एजेंसियों ने ब्राजील के सोयाबीन के उत्पादन का अनुमान घटाकर 128.5 मिलियन मीट्रिक टन कर दिया है, जो नवंबर के अनुमान से 17 मिलियन मीट्रिक टन कम है। 3 दक्षिण राज्यों और माटो ग्रासो में सोयाबीन की पैदावार में गिरावट आई है, जहां जनवरी में औसत से कम बारिश के बीच फसलें लंबे समय तक गर्मी के दबाव में थी। वहीं मध्य उत्तर में भारी वर्षा के कारण हुए नुकसान के कारण माटो ग्रासो में उत्पादन अनुमानों में थोड़ा नकारात्मक समायोजन भी हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।